हाँ जी का रंग लग जाता है। हाँ तो फिर वो बेल का या बलराम के हल्दर का पार्ट बजाती है। हैं? बेल का या हल्दर का पार्ट बजाती है। हाँ जी। और बाप तो सदैव ही बीज रूप है, वो तो ज्ञान स्वरूप है। कौन सा बाप? दो बाप हैं। आत्मिक स्वरूप में दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि में ठेठ 100% देह अभिमानी भी मनुष्य हैं या नहीं, और 99% 99.5% 100% आत्माभिमानी भी हैं या नहीं? दोनों का, दोनों तरह का बाप है या सिर्फ आत्माभिमानियों का बाप है? कौन? राम वाली आत्मा है ना। तो जो राम वाली आत्मा देह अभिमानियों का भी बाप है, तो वो इस षष्ठी मर आता है तो देह अभिमानियों से टक्कर लेता है या नहीं लेता है? है? लेता है। अब ये तो नियम है, लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, तो बाप को भी देह अभिमानियों से टक्कर लेने के लिए देह अभिमानी बनना पड़ता है या नहीं? है? सत्युग त्रेता में तो अहिंसक होते हैं देवताएं, और राम वाली आत्मा भी अहिंसक होती है, परंतु क्या द्वापर कलयुग में भी होनी चाहिए ना अहिंसक? है नहीं होनी चाहिए? क्यों है अहिंसक होनी चाहिए? अरे फिर लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, ये बात कैसे साबित होगी? अरे चोर डकैतों को पकड़ने के लिए, उनके गैंगों को पकड़ने के लिए जो राजाएं लोग या सरकार CID लोग रखती है, तो क्या करते हैं वो CID लोग क्या करते हैं उस बैंक गैंग को पकड़ने के लिए? चोर डकैत बन करके उनके गैंग में घुस जाते हैं। तो ये राज है, राम वाली आत्मा जो भ्रष्ट से भ्रष्ट है आत्माएं, भ्रष्ट कर्म करने वाली, उनका भी बाप है, और जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आठ हैं उनका भी बाप है, अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरों से बुरों का भी बाप है। इसलिए मुरली में क्या बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। बच्चे उस अर्थ को गहराई से नहीं पकड़ पाते। तुम्हारा बाप आया हुआ है का मतलब जो भी तुम भ्रष्ट कर्म करते हो, उन भ्रष्ट कर्मों में भी तुम्हारा कौन है? ये बाप है। तो समझ में आया? हाँ, ब्रह्मा का पार्ट है, लेकिन राम वाली आत्मा पतित है या पावन है? अभी भारतवासी ज्यादा पतित हैं या क्रिश्चियन से ज्यादा पतित बुद्धि वाले हैं? तो जब भारतवासी पतित हैं तो उनका बाप पतित नहीं होगा?
और क्रिश्चियंस पावन है तो उनका जो मूल है क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, वो कृष्ण पावन है या पतित है, है? उसके मुकाबले पावन है, तो ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है, इसलिए प्रवेश करता है। राम वाली आत्मा उसके प्रभाव में आती है और वैसे भी शास्त्रों में दिखाते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण जब थे तो जो हलधर थे बलराम राजाई किसके हाथ में थी, कृष्ण के हाथ में राजाई थी या बलराम के हाथ में राजाई थी, पावर किसके हाथ में थी, हैं? बलराम के हाथ में पावर। तो पावर है, कब तक पावर है, हैं? बलराम वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा या ब्रह्मा वाली आत्मा कब तक पावरफुल है, हैं? तब तक पावरफुल है जब तक वो आत्मा सवार है इसके ऊपर, शंकर के ऊपर सवार। और योगी ज्यादा कौन है, ज्ञानी ज्यादा कौन है? बलराम को ज्यादा ज्ञानी दिखाया है या कृष्ण को ज्यादा ज्ञानी दिखाया है? राजा तो है बलराम, ज्ञानी कौन है, है? कृष्ण ज्ञानी है। और योगी राज कौन है, है? है? कृष्ण योगी राज है। तो वो कृष्ण को दिखाई देते हैं कि भगवान है, लेकिन वास्तव में वो भगवान साबित ही नहीं होता। कृष्ण वाली आत्मा का नाम या उसके कोई भी पर्यावाची का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। शिव आप समान जिसको बनाता है 100% वो एक ही नाम है, कौन सा है? शंकर। तो शंकर वाली आत्मा याद में भी तीखी है और योग में भी तीखी है, लेकिन प्रैक्टिस अभी कम है। प्रैक्टिस कम होने की वजह से वो आत्मा पावरफुल है, कौन सी? कृष्ण वाली आत्मा। और वो पावरफुल आत्मा हावी हो जाती है इसके ऊपर, राम वाली आत्मा के ऊपर। ऐसे जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं, उन रुद्रमाला के मणकों में कोई न कोई प्रवेश करते हैं, कोई में एक आत्मा प्रवेश करती है, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी। वो दूसरे धर्म वाले ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। कब? कलयुग के अंत में या दूसरे युगों में? कलयुग के अंत में ज्यादा पावरफुल हो गए हैं ब्रह्मा की ही तरह। तो वो आत्माएं अपने प्रभाव में ले लेती है रुद्रमाला के मणकों को और विकारी बना देती है। जो हम कभी कभी कहते हैं, क्या सोचते हैं कि हमने तो पक्का कर लिया था अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी वैसा ही हो जाता है। और हाथ उठाओ। हाँ, जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का गाना बनते हैं, वो सजाओं से छूट जाते हैं। हाँ, सब नहीं छूट जाते। पूरा पुरुषार्थ माने जो भी तन है
ताकत है तन की, जो भी धन है, धन की एक एक पैसे की भी ताकत है। तन धन और जो भी जन संबंधी है, जन जन शक्ति, संबंधियों की शक्ति, मित्र संबंधियों की जो भी शक्ति होती है ना, वो सारी शक्ति उसी ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। और समय की भी शक्ति, अभी सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है? समय की। तो समय की भी सारी शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। अपने पेट के लिए चिंता नहीं करते तो क्या बन जाते हैं? विजय माला के दाने बन जाते हैं जल्दी। हाँ, इसका मतलब अकाले मृत्यु अपने आप नहीं हुई थी, की गई थी। जैसे नहीं, लोग युद्ध में जाते हैं, जाते हैं ना, युद्ध में लड़ते लड़ते शरीर छोड़ देते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। तो उनका भाव श्रेष्ठ है या गंदा भाव है? है तो उनकी दुर्गति होनी चाहिए या सदगति होती है? शास्त्रों में भी है, जो युद्ध में लड़ते लड़ते प्राण छोड़ते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। वास्तव में उस युद्ध की बात नहीं है, उस युद्ध में प्राण छोड़ने वाले तो इसी दुनिया में जन्म लेते हैं। कहाँ की बात है? वो संगम युग की बात है, यज्ञ के आदि में वो प्रजापिता की बात है, जो धोबी घाट की बात को लेकर के हंगामा मचा था सिंध हैदराबाद में। बड़े बड़े आदमियों की कन्याएं माताएं यज्ञ में आ चुकी थी, उनों के अंदर जब ये बात फूंक दी गई कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो ब्रह्मा बाबा तो चौकड़ी मार के भाग गए, आधी ताकत तो खत्म हो गई। किसी घर की घरवाली अगर विरोधी हो जाए या साथ छोड़ दे तो क्या होता है? ताकत कम हो जाती है। तो ब्रह्मा बाबा चले गए, ब्रह्मा बाबा से प्यार करने वाले सभी चले गए, छोटे छोटे बच्चे थे कि बड़े बच्चे थे? और रामवाली आत्मा ने शरीर क्यों छोड़ दिया? शरीर छोड़ना माना योगी या कमजोर? योगी का तो हार्ट फेल भी नहीं होता है, योगी तो पावरफुल होना चाहिए, जो संकल्प शक्ति है बड़ी तीखी होनी चाहिए। तो दुनिया वालों से हार खा गई। दो राजाएं अपनी सेना लेकर के आपस में लड़ते हैं, एक राजा और उसकी सेना हार जाए, राजा शरीर छोड़ दे, तो विजयी कौन माना जाएगा? जो विरोधी ग्रुप है वो विजयी हो गया। पूर्व जन्मों से कनेक्टेड बात है, इस जन्म की जो भी प्राप्तियां हैं या इस जन्म की जो भी अप्राप्तियां हैं वो पूर्व जन्मों से कनेक्टेड हैं या इसी जन्म की हैं? तो पूर्व जन्मों का ऐसा हिसाब किताब था कि ज्ञान पूरा नहीं मिला और सारी दुनिया दुश्मन बन गई, अकेला रह गया, तो शरीर त्यागना पड़ा।
क्योंकि लाश को ही लोगों ने गुम किया, लाश के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया होगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो भूत प्रेत बन गया, दुर्गति हो गई। क्यों? भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान नहीं है, क्या प्रधान है? तो जो वो कर्म कर रहा था धोबी घाट का, चैतन्य कपड़ों को धो रहा था, उसमें भाव क्या था? है भाव श्रेष्ठ था या निष्कृष्ट था? श्रेष्ठ भाव था। उस श्रेष्ठ भाव को दुनिया वालों ने नहीं पहचाना। अरे दुनिया वालों ने तब नहीं पहचाना तो बात छोड़ो, अभी पहचान रहे हैं क्या? इतना ढेर सारा ज्ञान मिल रहा है, अभी भी तो बहुत से नहीं पहचान रहे हैं। अभी भी विरोध किस बात पर होता है? हैं? उसी पवित्रता की बात पर विरोध होता है। बाबा ने इशारा भी दिया, क्राइस्ट को सूली पर क्यों चढ़ाया गया? जवाब दिया मुरली में, पवित्रता की बात थी। तो वो बात कोई ने नहीं समझी, इसलिए दुनिया वाले विरोधी बन गए और उसको शरीर त्यागना पड़ा, लेकिन भाव श्रेष्ठ था। इसलिए सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत का नहीं मिल सकता, जन्म ही मिलता है दोबारा। और ओजोन फट रहा है कि नहीं है? तो वो आकाश नहीं है। और हाँ जी, हाँ जोर से बोलो। कहीं वीआईपी सेवा करने के लिए जाते हैं, वीआईपी सेवा करने के लिए जाते हैं, हाँ जी, तो वहाँ पर जाते हैं तो उनको जैसे ज्ञान सुनाते हैं तो बड़े अच्छे ज्ञान सुनाने लगते हैं, तो अच्छे से समझते सुनते हैं, हाँ। फिर वो बोलने लगते हैं कि ब्रह्म कुमारी का ज्ञान है, कहे तुमने सुना है, उन लोगों से भी सुना है, आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं। तो अपन बोलते कि नहीं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, वो बेसिक ज्ञान है, ये आगे का ज्ञान है। तो बहुत अच्छे से सुन लेते, समझ लेते और आने को भी तैयार होते हैं, हाँ। लेकिन जब हम लोग वो उनको किताबें दे करके आते हैं, हाँ। और उसमें लास्ट में लिखा होता है कि अभी ये ब्रह्म कुमार कुमारियों द्वारा प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियों द्वारा एक ज्ञान चल रहा है, हाँ। तो उसको पढ़ करके वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं और बुला करके यहाँ तक कि भाई आप अपनी किताबें ले जाओ, तो ठीक बात तो करते हैं। अच्छा ये बताओ, तो इसको फिर कैसे क्लियर करना? आज दुनिया जो है वैश्यालय है या शिवालय है? और जो वैश्यालय के पुत्र होंगे वो अपनी अम्मा वैश्यालय को मानेंगे या बाप को मानेंगे? माँ को मानेंगे ना। इसीलिए सारी दुनिया जब वैश्यालय है तो उनके बच्चे भी सारे क्या हो गए? वैश्या के पुत्र हो गए। वो बाप को नहीं पहचान सकते, और ये तो बेहद का बाप है, सारी सृष्टि का बाप है। कलयुग आदि से ही देवताओं की मान्यता रहती है, या देवियों की पूजा ज्यादा बढ़ जाती है भारत में, हैं? जय माता दी कहेंगे, पिताजी को भूल जाते हैं। तो बेचारों को दोष नहीं देना चाहिए क्या? वो सब कृष्ण बच्चे को फॉलो करने वाले हैं। कृष्ण बच्चा सारी सृष्टि का दादा है, बड़ा भाई, पहला पत्ता है या नहीं? तो सारी दुनिया आज दादागिरी के चक्कर में है, दादागिरी से दबती है,
या नहीं दबती है? तो दबे हुए हैं, उनकी बुद्धि दबी हुई है, तो वो तो ठीक ही बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें उन्हें बार बार जगाना है कि नहीं। मतलब जा करके उनको बोले कि भाई इसमें पूजा पिता लिखा हुआ है। हाँ, कि हम पी के हो गए। तो हम सब बच्चे जो हैं, सारी दुनिया जो है वो एक बाप के ही बच्चे हैं, लेकिन एक माँ के बच्चे नहीं हैं। माताएं अलग अलग हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, लेकिन बेहद का बाप एक ही है, ये समझना है। इसलिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मानते हैं, एडम को, आदम को, आदिदेव को, आदिनाथ को, आदि पुरुष को सब मानते हैं, मानते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। तो हम आपको उस एक बाप का परिचय देते हैं, जिसके लिए कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। कैसे भाई भाई होंगे? एक बाप होगा तभी तो भाई भाई होंगे, कि अनेक माताएं होंगी और बच्चे होंगे तो भाई भाई होंगे, हैं? एक बाप होना चाहिए ना। तो बाबा, जैसे वो किताब में देख लेते हैं, हाँ, वो प्रजापिता तो नहीं समझ पाते, पर ब्रह्म कुमारी शब्द जहाँ वो देख लेते, सुन लेते, पढ़ लेते उसमें, हाँ, तो फिर वो किताब वापस करके दोबारा आने ही नहीं देते। कहाँ नहीं आने देते? वो दूर से देख करके दरवाजे बंद कर लेते, ये तो वही ब्रह्म कुमार वाली ऐसा भी करते है। सब नहीं ऐसे होते हैं, 100 को संदेश देंगे तो 1-2 जरूर ऐसे निकलेंगे जो बात को ध्यान से सुनेंगे। तो जो सुनते हैं उनको सुनाओ, जो नहीं सुनते हैं वो हमारे कुल के सूर्यवंशी बच्चे नहीं है। अभी टाइम कम है, जो नहीं सुनते हैं उनके पीछे पढ़ने से, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। बढ़ते जाओ, संदेश देते जाओ। 3 संदेश जरूर देना है, अभी जल्दी ही नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है। नहीं माने? ए बकते हैं, एटम बम बने हुए हैं महाराज। पहले एटम बम नहीं थे, पहले भगवान भी ब्रह्मा के तन में नहीं आया हुआ था, पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम निशान भी नहीं था। अभी ब्रह्मा के द्वारा भगवान ब्राह्मणों को रच रहा है, ब्राह्मण सृष्टि रची जा रही है। दूसरी तरफ एटमिक एनर्जी भी बन रही है, स्थापना का समय भी हो रहा है और विनाश का भी सामग्री तैयार हो रहा है। ऐसे ना हो कि बिल्ली सामने आ जाए और कबूतर आंख बंद करके बैठ जाए, बिल्ली आई नहीं, ऐसे करके उनको समझाओ। 3 संदेश देना है, नई दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, और भगवान प्रैक्टिकल में, साकार में इस सृष्टि पर आया हुआ है। ये बात उस ज्ञान सूर्य के जो बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य को पहचानने वाले हैं, वो ही जानेंगे और जानने के लिए प्रयास करेंगे जल्दी। बाकी जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, जैसे कि सभी हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे और हो रहे हैं, वो सब कन्वर्टेड आत्माएं हैं। जो ज्ञान सूर्य को पहले नहीं पहचानेंगी, बाद में पहचानेंगी, वो सब क्या है? कन्वर्टेड होने वाली आत्माएं। तो दोबारा जाकर के उनको क्लियर कराना चाहिए। नहीं, जो विरोधाभास में आते हैं उनको छोड़ दो, हमारे कुल का होगा तो 2 शब्द सुनेगा और आ जाएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा, बार बार सुनने के लिए आएगा।
बाबा नहीं ठीक सूरज उगता है हाँ तो लाल प्रकाश होता है सूरज जब उगता है तो सूर्य के उगने से पहले लाल 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 लाली आती है ना, उसे कहते हैं लाली माँ। और उस लाली माँ के आने से पहले ध्यान से देखना, लाली माँ के आने से पहले काली 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 रात आती है, ध्यान से देखना। तो पहले काली माँ आती है, फिर पीछे पीछे लाली माँ आती है, उसके पीछे पीछे शिवबाप ज्ञान सूर्य आता है। ये नियम है, पक्का पक्का नियम है। क्या? पहले काली माँ, फिर लाली माँ, फिर ज्ञान सूर्य प्रकट होता है। तो ये जो लाली माँ है ना, जब आए उसके लिए निशानी बता दी अव्यक्तवाणी में, पहली अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो आई और समझो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो गया, काली रात का अंत हो गया। तो लाली माँ समझा कौन है, कौन है? नहीं समझा? छोटी माँ। हाँ और बाबा हाँ। वो आपने मुरली में कहा था कि 8 घंटे कर ले में, तो कर तो लेते हैं 8 घंटे कर लेते नहीं? हाँ एकदम से नहीं होता। हाँ अगल अगल है, अगल अगल हो सकता। हाँ हाँ नहीं हो सकता। हाँ तो अलग अलग मिला के ही दिन में 24 घंटे में 8 घंटे हो जाए। हाँ हो जाए, हो जाते हैं। हाँ, हो फिर तो आप आश्रतनों में आ गए। नहीं करेंगे हम, करेंगे, अभी किया नहीं है। हाँ, अभी किया नहीं है, पहले किया था। आप तो फटाक से पैंतरा बदल जाते हैं। हाँ, हाँ जी हाँ। दुनिया में बड़े बड़े राजाएं हैं, हैं या नहीं हैं? बाबर राजा था या छोटा सा सिपाही था सेना का हैं? तो बड़ी राजधानी एकदम बन जाएगी क्या? युद्ध करेगा तो एकदम बड़े सम्राट से अकेला युद्ध कर लेगा है? तो पहले छोटी राजधानी बनाएगा या बड़ी राजधानी बनेगी है? छोटी राजधानी बनेगी। और यहाँ जो राजधानी तैयार होनी है वो सारी दुनिया की फाउंडेशन वाली राजधानी होगी। सारी दुनिया में जितनी भी राजाओं की राजधानियां स्थापन होती हैं, उन सबसे श्रेष्ठ राजधानी होगी या नीची कोटि की होगी? तो श्रेष्ठ थोड़ा होता है या ज्यादा होता है? हैं? छोटा रूप होता है। और जो छोटा रूप की राजधानी स्थापन होगी, वो छोटे रूप वाली जो प्रजा है, प्रजा भी तो छोटे रूप की होगी ना, वो एकदम 100% होनी चाहिए या कम परसेंट वाले होना चाहिए हैं? प्रजा और धर्म वाले की जो राजाइयां हैं, या आने वाली 5000 वर्ष की जो भी राजाइयां हैं आने वाली, उन सब की राजाइयों से ज्यादा पावरफुल प्रजा होनी चाहिए, ज्यादा ज्ञानी तू आत्मा प्रजा होनी चाहिए, ज्यादा योगी तू आत्मा प्रजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ऐसे श्रेष्ठ थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? तो कितने होंगे? 50,000 होंगे। 50,000 राजधानी स्थापन हो जाएगी एकदम। राम है,
राम का वंश है, चंद्र है चंद्र का वंश है, तो जो पैदाइश होगी वो एक के बाद एक पैदाइश होगी कि 50,000 इकट्ठे पैदा हो जाएंगे, इतने कुत्ते कुतरियों को भी नहीं पैदा होते, 50,000 इकट्ठे पैदा हो जाएंगे। फिर हैं? हाँ तो छोटे बड़े होंगे कि नहीं, आगे पीछे होंगे ना, तो ये 50,000 एकदम नहीं, पहले बिल्कुल कंप्लीट कितनी प्रजा होती है, प्रजा तो होगी लेकिन और राजाइयों के मुकाबले बहुत पावरफुल, कितने होने चाहिए, 8 होंगे बस। एक पारिवारिक इकाई से शुरुआत होगी राजधानी की, अनेक परिवार नहीं होंगे, एक परिवार होगा, एक उसका राजा होगा और एक रानी होगी, ये पहचान है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। पाप चढ़ता है, सबका बुद्धि योग अपनी तरफ खींचने में, खड़े और हो जाओ, दिखा दो चेहरा, या तो लाया ही मत करो, लाओ तो बंद करके रखो, तो ऐसे नहीं है। तो उस राजधानी में सब इकट्ठे आ जाएंगे, नहीं पहले वो आएंगे तो धर्मराज की कोई सजा नहीं खाते, बिल्कुल कंप्लीट। इसलिए मुरली में बोला है पहली पहली जो डायनेस्टी होगी, स्थापन होगी, उसकी भी कोई खसूसियत होगी, स्पेशलिटी होगी, जो और राजधानियों में वो स्पेशलिटी नहीं देखने में आवेगी। और पहले पति तो होता है या पहले फरिश्ता बनता है? अभी पतित प्रजापिता का पाठ चल रहा है या फरिश्ता का पाठ चल रहा है? हैं? या दोनों का मिक्स पार्ट है? हैं? शंकर का अर्थ क्या है? शंकर माने ही मिक्स, मिश्रण, तो मिश्रण है, पतित भी है, उसमें फरिश्ताई आत्मा भी है और उसमें एवर प्योर भी है, इसलिए शंकर कहा जाता है, लेकिन सदैव नहीं है, सदैव तीनों आत्माएं मिक्स होकर पार्ट बजाएंगी, तीनों आत्माएं मिक्स होकर के बोलेंगी, या अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्ट बजाएंगी, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्ट है आत्मा का, वो आत्मा अव्यक्त है, अव्यक्त माने इन आंखों से नहीं दिखाई देती, बुद्धि से समझा जा सकता है कि अभी कौन सी आत्मा ज्ञान समझा रही है, ज्ञान समझाना पतित आत्मा का पार्ट है या पावन आत्मा का पार्ट है। शंकर के अंदर जो मिश्रित आत्माएं पार्ट बजा रही हैं, तो वो पार्ट बजाने वाली आत्माओं में देखना है कि ज्ञान की बात नई बात किसने बताई, और जो गंगा यमुना सरस्वती हैं, ब्रह्मा हैं या जो कोई भी देवताएं हैं, वो पानी के सरोवर हैं,
पानी की नदियाँ हैं, पानी के गड्ढे गड़ीचियाँ हैं, पानी की झीलें हैं, पानी की नहरें हैं, लेकिन बाप ज्ञान का सागर है। बाप आते हैं तो नई नई बातें सुनाते हैं। हाँ, ये जरूर कहा है कि ज्ञान भी पहले पहले सतोप्रधान होता है, सात्विक, और बाद में जैसे जैसे जल चारों तरफ फैलता है तो क्या होता जाता है, हैं? मैला होता जाता है। तो ये ज्ञान जल भी ऐसे ही है, ईश्वरीय ज्ञान जल है जरूर, लेकिन जितना जितना विस्तार को पाता जाता है उतना उतना ज्ञान तामसी बनता जाता है, मैला होता जाता है। जब बाढ़ आती है ज्ञान की, तब तो बहुत ही मिट्टी मिल जाती है उसमें, बहुत ही कचड़ा मिल जाता है। कबीरदास वो क्यों, सूरदास ने तो कवित्व लिख दिया भावना में आकर के, संतो आई ज्ञान की आंधी, चारों दिशाओं में विनाश दिखाई दिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे, ऐसे बोल दिया। शास्त्रों में लिख दिया जलमयी हो गई, तो एटम बम फटेंगे तो समंदर का जल गरम हो करके बॉइल्ड होगा या नहीं होगा? जब बॉइल्ड होगा तो समुद्र का ढेर सारा जल भाप बन करके समुद्र को, पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लेगा, बरसात ही बरसात होती रहेगी कई दिनों तक, और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के मीलों ऊंचे जो बर्फ के पहाड़ हैं, वो एटम बमों के फटने से वो पहाड़ फट पड़ेंगे, टूटने लगेंगे, और उनके बर्फ के शिखर खंड समंदर में आ जाएंगे। तो समंदर का पानी बढ़ेगा, जल स्तर ऊंचा हो जाएगा या नीचे जाएगा, तो ये सारे महाद्वीप डूब जाएंगे। एक जम्बू द्वीप को छोड़ करके सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। तो ये बॉम्ब हैं, छोटे बड़े बॉम्ब हैं, जैसे दीपावली आती है तो छोटे छोटे पटाखे फोड़े जाते हैं, फोड़ते रहते, जल्दी जल्दी फोड़ते रहते, फिर 12-1 बजे नींद आती है तो क्या करते हैं, एकदम सारे ही फोड़ देते हैं। तो ऐसे ही ये चतुर्थ विश्व युद्ध है 5-7 रोज का, जिसमें सारी एटमिक एनर्जी फट पड़ेगी और सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। तो जितना पृथ्वी पर कचरा है वो सारा जल के अंदर आएगा या नहीं आएगा? जितनी समंदर के अंदर मछलियां और जीव जंतु हैं वो सारे मर पड़ेंगे, उनकी सड़ी हुई लाश जल में मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? तो पानी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा।
ये ज्ञान जल की भी बात है। ज्ञान की बाढ़ आएगी तो ये ज्ञान जल गंदा हो जाएगा बम्ब फटने से। वो कौन है जिसके नाम के साथ बम बम्ब लगाया जाता है? हैं? हर हर बम बम का नाम शंकर के नाम के साथ लगाया जाता है। जैसा काम वैसा नाम लगाया जाता है। तो बड़े से बड़ा बम्ब कौन सा है? परमात्म प्रत्यक्षता बम्ब। बम्ब फूटता है तो एकदम धक से सारी धरणी में बड़े से बड़े हिस्से में परिवर्तन हो जाता है, बड़ा विनाश हो जाता है। विनाश किसका होना है? पवित्र आत्माओं का, पवित्र देवात्माओं का विनाश होगा, पवित्र ब्राह्मणों का विनाश होगा या पवित्र का विनाश होगा? अपवित्र का विनाश होगा। और सारी दुनिया में अपवित्र की संख्या ज्यादा है या पवित्र बनने वालों की संख्या ज्यादा है? अपवित्र बनने वालों की संख्या ज्यादा है। जैसे जैसे राजधानी स्थापन होती जाएगी, छोटी राजधानी स्थापन होगी तो छोटा विनाश, और संपूर्ण राजधानी स्थापन होगी तो ब्राह्मणों की दुनिया में संपूर्ण विनाश भी होगा। वो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, लेकिन बाहर की दुनिया में भी विनाश होता रहेगा। जैसे 76 में जनता पार्टी आई, ज्ञानता पार्टी, अज्ञानता नहीं, बाहर की दुनिया में जयप्रकाश नारायण उदय हुआ। मुरली में भी क्या बोला था 76 के लिए है? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 10,000 आज से 5,000 10 वर्ष कम 5,000 वर्ष हुए, तो 10 वर्ष कम अगर कर दिए तो 76 आता है। तो 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में वो नारायण वाली आत्मा कहो, राम वाली आत्मा कहो, शंकर नारायण कहो, वो प्रत्यक्ष हुई या नहीं हुई? है? हुई। तो बाहर की दुनिया में भी उस समय विनाश हो रहा था, भारत में खास, वो छोटा रूप था। ऐसे ही अभी जो सच्चा भगवान है, जिसके नाम के आगे लगाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो अप्रत्यक्ष होने वाला है। न 36 में प्रत्यक्ष हुआ, न 47 में प्रत्यक्ष हुआ, भले ढोल पीटने लगे भगवान आ गया भगवान आ गया, न 76 में प्रत्यक्ष हुआ। कौन प्रत्यक्ष हुआ 76 में? भगवान, मनुष्यों का बाप प्रत्यक्ष हुआ, राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई, 47 से ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ, कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई। माता पहले प्रत्यक्ष होती है, बाप बाद में प्रत्यक्ष होता है, मनुष्य सृष्टि के माता पिता। बाकी भगवान तो भगवान नहीं हुआ, भगवान तो अप्रत्यक्ष होने वाला है जब सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार फैल जाएगा। बाहर की 500 करोड़ की दुनिया तो अज्ञानी है ही, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी अज्ञानी है, बाप को नहीं जानती। जो बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है, लेकिन
एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी घड़ी घड़ी संशय अनिश्चय 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 पैदा होता रहता है, क्योंकि ज्यादा संख्या विधर्मी बीजों की है या स्वधर्मी बीजों की है? विधर्मी बीजों की संख्या ज्यादा है, जो अपना प्रभाव फैलाते रहते हैं और एक दूसरे की बातें सुन करके सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों की दुर्गति दुर्गति होती रहती है, संशय में आते रहते हैं, संशय बुद्धि विनिश्चित होते रहते हैं। तो अभी अज्ञान अंधकार जोर से बढ़ रहा है, बढ़ते 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 घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि महाशिवरात्रि आएगी, तब शिव बाप का जन्म होगा। जन्म होगा उसकी निशानी क्या बताई? हाँ, जो इन आंखों से देखेगा, देखने मात्र से ही बुद्धि में बैठ जाएगा, अब हमारा बाप बेहद का आ गया। जो इन कानों से सुनेगा उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा, हमारा बाप आ गया। क्या बहुत लंबा लंबा ज्ञान सुनाएगा? है बहुत लंबा ज्ञान सुनाएगा क्या? नहीं, लंबे लंबे भाषण तो आज के नेतागण भी कर लेते हैं। वो आत्मा का प्रभाव इतना ज्यादा होगा कि जो सामने आएगा उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा। मिसाल के तौर पर नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत में बड़े लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। इतने लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा, इतनी पावरफुल आत्मा थी। लोग उनके पीछे से कितनी भी बुराई करने वाले हो, लेकिन वो सन्मुख आकर के जब भाषण करते थे तो सब जो मस्तक झुका लेते थे, बात को मान लेते थे। ये कौन सी ताकत है? ये वाइब्रेशन की ताकत है। विवेकानंद अमेरिका में सारी पब्लिक को भगा दिया अपने पीछे पीछे, ये कौन सी ताकत थी? आत्मा की पावर, पवित्रता की पावर। और वो तो एवर प्योर है, कौन? शिव बाप। वो तो जब प्रत्यक्ष होगा तो जिसके सामने प्रत्यक्ष होगा एक सेकंड में क्या दे देता है? जीवन मुक्ति दे देता है। 2,500 साल के लिए अमर बन जाते हैं। आत्मा का अनिश्चय पैदा ही नहीं होगा, 2,500 साल के लिए निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। और एक माता का कोर्स किया था तो माता का प्रश्न था, जैसे कि माताओं का श्रृंगार तो पता है, जैसे शादीशुदा जो माताएं रहती है ना, शादीशुदा जो माताएं रहती है उनका श्रृंगार तो पता है, जिसमें पहनती है सिंदूर भरती है, लेकिन जो भाइयों की शादी हो जाती है तो उन लोगों का क्या प्रूफ है? इसी पॉइंट पे वो माता ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया, कोई पॉइंट हमारे पास था ही नहीं, कितना समझाया लेकिन वो माता समझी ही नहीं। उनका तो प्रूफ मिलता है कि ये शादीशुदा है, लेकिन भाई लोग शादीशुदा होते हैं तो उनका प्रूफ नहीं मिलता है। इस बात को लेकर के ज्ञान को उसने आगे ही नहीं बढ़ने दिया और इनके पास वो प्रश्न का उत्तर नहीं। प्रश्न का उत्तर तो पहले, हाँ, कि भाइयों को श्रृंगार क्यों नहीं दिखाया जाता? प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है उनका? उसका प्रूफ ये है कि जितने भी भाई हैं सब दुर्योधन दुशासन हैं। एक भी भाई ऐसा दिखा दो जो एकांत में सुंदर स्त्री सुंदर कन्या को पकड़ करके अपवित्र न बनाता हो, जबरदस्ती न करता हो। वो दुर्योधन दुशासन दुष्ट युद्ध जरूर करेगा, दुष्ट शासन जरूर चलाएगा, इसलिए उनको श्रृंगार दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जी बताया था उसे, लेकिन बोली ये तो
हमारे भाई भी करते हैं ऐसा। मुरली की क्या बात है, प्रैक्टिकल बात है दुनिया की या मुरली की बात है? प्रैक्टिकल बात। पूछो उससे। हाँ और हाँ पति पढ़े हैं है? पढ़े हैं पति, पति पढ़े हैं, पढ़े लिखे तो अपन कुछ लिखवा सकते हैं। पति पढ़े हैं, पत्नी नहीं है पढ़ी, कुछ लिखवा सकते हैं। लिखवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। क्या कुछ लिखवा सकते हैं उनसे? कुछ लिखवा सकते हैं, ज्ञान में नहीं चलते ना, ज्ञान में नहीं चलते हैं, चलते हैं। पति पढ़े लिखे हैं और पत्नी अनपढ़ है, तो वो अपने मन की बात पति से लिखवा सकती है क्या? माता अनपढ़ है, अपने पोता मेल पति से लिखवाएंगे? और पति तो सब दुर्योधन दुशासन अपवित्र हैं, उनको तो घड़ी घड़ी संशय आता है औरतों के ऊपर, आता है या नहीं? एकदम संशय बुद्धि हो जाते हैं और उन्होंने तुम्हारा पोता मेल सुन करके पढ़ करके घर में से निकाल दिया तो क्या करोगे? हैं? अरे वो लिखेंगे तो क्या कान में उंगली देने से वो नहीं समझेंगे? हाँ हाँ, कोई भी दूसरी बात हो। अच्छा, अगर वो बात में कुछ है, कमी होगी तो वो पकड़ेंगे कि नहीं तुमको? फिर कमी हो लिख तो बता रहे हैं। पोता मेल नहीं लिखवाना, बाकी चिट्ठी लिखवा लो। चिट्ठी चल रही है। आ चिट्ठी लिखवा दो, पोता लिखवा दो। अजी पोता मेल मत लिखवाना, बाकी चिट्ठी पत्री की साधारण बातें लिखवा लेना। हाँ तो माता है, कुछ लिखो नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी, हो गया हो गया, आगे। हाँ कैंसर जो होता है ना, चारों तरफ से टांगे फैलाता है। एक कैंसर कीड़ा होता है, कीड़ा नहीं जानवर जैसा होता है, केकड़ा जैसा ही समझ लो, समुद्र का एक प्राणी होता है जिस चारों तरफ से हाथ पांव फैले हुए होते हैं, माना वो चारों तरफ से फैलता है, चारों तरफ से शरीर को डिस्टर्ब कर देता है जल्दी जल्दी, उसको कहते हैं कैंसर। जिस व्यक्ति ने चारों तरफ से समाज का विनाश किया होगा, एक तरफ से नहीं चारों तरफ विध्वंस किया होगा, ऐसे लोग होते हैं कि नहीं? ऐसे दुनिया में लोग होते हैं कि नहीं? परेशान परेशान करके रख देते हैं समाज को, तो उनको कैंसर नहीं होगा? आदि में इतने तमो प्रधान नहीं थे द्वापर के आदि में, अभी ऐसे लोग बहुत पैदा हो गए। ये लादेन क्या हुआ है? क्या हुआ है? सब राष्ट्रों को परेशान कर दिया कि नहीं? हर आदमी आतंकवाद से दुखी हो गया या नहीं? चारों तरफ आतंक फैला दिया और उसकी बीमारी भी ढूंढने से दवाई नहीं मिल रही है। मिल रही है? नहीं मिल रही। और लक्ष्मी को बुलाते हैं, गोची लगाते हैं धन लेने के लिए, जहाँ बेहद में विजय माला का आह्वान करते हैं ज्ञान करते हैं, तो कौन सी पोछी माने? पोछी लगाना का काम है झाड़ू वाली का। झाड़ू वाली आती है घर में तो झाड़ू लगा के चली जाती है कि पोछी भी लगाती है? हैं? पोछी भी लगाती है, तो कौन है झाड़ू लगाने वाली? हैं? माँ काली, आज तक पहचाना ही नहीं। और हाँ ब्रह्मा ने शूटिंग पीरियड में तीन बार सृष्टि रची और तीन बार सृष्टि बिगाड़ी। क्या मतलब है? सती की शूटिंग हुई,
देवता वर्ण की ब्राह्मण आत्माओं को रचा या नहीं रचा? है? देवता वर्ण की आत्माओं की रचना हुई या नहीं हुई? हुई। देवताएं जो बुद्ध होते हैं, संक्षेत्र से पहले तक बच्चा बुद्धि आत्माएं पैदा हुई, देव आत्माएं जन्म लिया या बुद्धिमानों ने जन्म लिया? हैं? बच्चा बुद्धियों ने जन्म लिया, आत्माओं ने। उसके बाद दोबारा फिर सृष्टि रची। 76 में विनाश के लिए घोषणा की थी कि नहीं की थी? तो क्या बाहर की दुनिया की विनाश की बात थी या सतयुगी ब्राह्मणों दुनिया की विनाश की बात थी? सतयुगी शूटिंग करने वाले ब्राह्मणों ने कोई दुनिया की विनाश की बात बताई? उनका विनाश हुआ। कैसे विनाश हुआ? आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा रूपी सुई की कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो बेसिकली कट उतरने की बात थी। जिनकी जिनकी वो बेसिकली कट उतर गई, वो एडवांस में आते गए और वो दुनिया उनके लिए मर गई। बीके वाली एडवांस में आ गए कि नहीं है? वो पुरानी दुनिया मर गई कि जिंदा है? मर गई। आप मुए मर गई दुनिया। उसके बाद संक्षेत्र से लेकर के और 86, 87 तक, 88 तक एक वर्ष रूम का जोड़ दो, तो उस टाइम के बीच में 12 वर्ष में जो राम राजा गाया हुआ है क्षत्रिय वर्ण का, वो क्षत्रिय बनने वाले ब्राह्मणों की रचना हुई और वो आत्माएं ज्ञान में आई। जब वो क्षत्रिय वर्ण वाली आत्माएं आती हैं तो सूर्यवंशी चले जाते हैं या रह जाते हैं? गए। वो प्रत्यक्ष होती हैं और सूर्यवंशियों का पराभव हो जाता है। फिर तीसरा युग आता है, क्षेत्र में एक बार प्रत्यक्षता हुई, 87 में दूसरी बार प्रत्यक्षता हुई, एक ही साथ एक ही वर्ष में बिन फेरे हम तेरे बनने वाली ब्राह्मणों की दुनिया में से ऐसी कन्याएं निकली जो सरेंडर हो गई धक से। ब्रह्मा कुमारियों में सनाका फैल गया। प्रत्यक्षता का आवाज फैल गया। त्रेतायुगी राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई। नहीं, 87-88 में जब एक वर्ष ब्रह्मा बाबा आए ही नहीं थे तब की बात है। दूसरी बार हुआ क्षत्रिय धर्म की स्थापना। उसके बाद 2000 तक 8-9 वर्षों के अंदर इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म या बौद्ध धर्म, जो भी विधर्मी हैं, वो आत्माएं भी आई। पहली बार आने की बात है, उन आत्माओं को निकाल दो जो यज्ञ के आदि में भी थी और दोबारा जन्म लेके आई, उनकी बात नहीं है। जो पहली बार आई उनकी बात है।
तो द्वापर युग की शूटिंग भी हुई। त्रेता में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है और द्वापर में भक्ति मार्ग में कौन सी आत्मा को दिखाया है भगवान के रूप में? हैं? कृष्ण वाली आत्मा को दिखाया कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो एक ही दिन में स्वतंत्रता दिवस और उसी दिन में जन्माष्टमी, और वो आत्मा जेल से प्रत्यक्ष होती है। तो द्वापर युग की शूटिंग भी हुई। फिर अंतिम 4-5 वर्षों में कलयुग की शूटिंग, जिसमें कलंकी धर प्रत्यक्ष होता है, कलंक धारण करने वाला, देर के देर अखबार कलंक लगाते हैं, देर के देर चैनल टीवी चैनल कलंक लगाते हैं, समाज के लोग कलंक लगाते हैं, सरकार के लोग कलंक लगाते हैं। तो उस समय से कलंकी अवतार प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए शास्त्रों में लिख दिया संभवामि योगी योगी। बाकी ऐसे नहीं है कि 1250 वर्ष के युग में कोई भगवान आता है, ये तो शूटिंग की बात है, रिहर्सल की बात है। हैं? जब हम झूठी सीढ़ी चढ़ते हैं, झूठी सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसकी निशानी कैसे होगी, क्या होगी? चढ़ेंगे तो चढ़े सो चाखे, हैं? क्या चाखे? अमृत रस, प्रसन्नता बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी या दुख बढ़ेगा? हैं? प्रसन्नता बढ़ेगी। और नीचे गिरेगा तो 5 मार से नीचे गिरा, बाबा कहते हैं ना, अगर बेकार में गिरे तो हड्ड गुड टूट जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे नहीं महीनों। तो ऊपर चढ़ने से सुख होता है, आत्मा खुशी का अनुभव करती है, और नीचे गिरने से दुख का अनुभव होता है। हाँ, हाथों की लकीरों का बेहद में अर्थ क्या होता है? ये भी एक पढ़ाई है, ज्योतिष, जैसे भूगोल, जैसे इतिहासविद होते हैं वैसे नक्षत्रों का ज्ञान करने वाले ज्योतिषी होते हैं, वो भी पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़ाई पढ़ के जानते हैं हाथ में जो लकीरें होती हैं उनका क्या अर्थ होता है, और अर्थ होता है। परंतु हाथ की जो लकीरें हैं, रेखाएं, हर 5 वर्ष में थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, माना 5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य रेखा को चेंज कर सकता है तीव्र पुरुषार्थ करके। इसलिए रेखाएं हमेशा के लिए स्थिरियम नहीं है, बाकी उनको पढ़ना और सही बात बताना ये पढ़ाई के ऊपर है। कोई ज्यादा होशियार होता है ज्योतिषी तो बहुत सी बातें उसकी सही निकलती हैं, संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। कोई उतने होशियार नहीं होते हैं तो उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाते। ओम शांति।